कुरान नबी को हटा दीजिए, हाथ में उन सबों को मिला दीजिए, हस्मती उनको देवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको देवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको देवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। सामिन इकराम, मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल ही दें। सामिन इकराम, जैसा आपने देखा कि आरिफुल हक्कानी की रिकॉर्डिंग डाली गई है और ये मर्दूद इल्मे गैब पर बात करने के लिए आया था और वो आपने सुनी, बेहतर सुनी। अब एक भाई ने इसको कॉल किया और ये देखिए मर्दूद शैतान को कि आला हजरत की जो इबारत पढ़ रहा है वहाँ पर ज़ाती इल्म की नफी अताई की नहीं, ज़ाती इल्म का मना है कि हुजूर को ज़ाती इल्म नहीं है, मतलब ख़ुद से नहीं है, और अताई इल्म गैब का इकरार आपने किया है और अताई इल्म गैब व मा काना व मा यकून आपने साबित किया है अद्दौलतुल मकिया किताब के अंदर। अब ये जाहिल का बच्चा कह रहा है कि आला हजरत ने ज़ाती का भी इनकार कर दिया है, अब बताइए ऐसे झूठे मक्कार कज़्ज़ाबों को क्या बोले हम लोग, पहली चीज़। तो एक भाई ने इसको कॉल की और कॉल करके इसकी देखिए क्या बेहतरीन तरीके से बैंड बजाई और ये हराम खोर हदीस सुनने को राजी नहीं है, जबकि इसके खुद फजाइले अमाल में ये लिखा है कि जब भी तुम नमाज़ पढ़ते हो तो अल्लाह के रसूल कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और मैं खुश होता हूँ। इनकी किताब जो है फजाइले अमाल के अंदर ये इबारत मौजूद है, अल्लाह के रसूल का कौल मौजूद है, ये हदीस मौजूद है। अब इसी बात को ये शख्स इससे बार बार कर रहा है लेकिन ये मर्दूद देखिए फंसा हुआ है, ये हमारे एक बेचारे अदना तालीम इल्म से ये बात नहीं कर सकते, ये हमारे आलिमों के सामने बैठेंगे। ऐसे खबीसों से अपने ईमान को बचाइए, लिल्ला अपने ईमान को बचाइए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यार, अरे मैंने गुफ्तगु सुनी थी मतलब जाने का जमशेद कादरी साहब से आपके, तो इल्म गैप पे जी। तो तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने इतनी बड़ी दलील दे दी इल्म गैब की फिर भी तुम नहीं मानते हो? कौन है इल्म गैब की दलील? हदीना के अल्लाह के रसूल, तुमने मगरिब की नमाज अदा करी तो अल्लाह के रसूल खुश हुए। कौन सी हदीस है? बताया ना मैंने, कुर्रे तैनी फिस सलात। किस मुफस्सिर ने? अरे किस मुफस्सिर ने, तुम्हारी समझ में ना आ रही कि अल्लाह के रसूल खुश हो रहा है? क्या मना करो, मुफस्सिरीन किसी मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल खुश नहीं होते इससे? ठीक है मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। फतावा रज़विया जिल्द 29 सफहा नंबर 207 या 208, उसमें आपके मुजद्दिद साहब ने खुद जो है इल्मे गैब का इनकार किया है। हाँ, क्या इनकार किया जी? किस चीज का इनकार किया? जाती है अताई वज़ैतून वर्रुमान। हाँ जी। हाँ तो जाती का इनकार किया है अताई का? क्या जाती अताई? जाती अताई का मतलब ना बता तुम्हें। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो अल्लाह रसूल के पीछे पड़ गया, अस्तगफिरुल्लाह माजल्लाह माजल्लाह। अहमद यार खान नईमी, कैसी बात कर रहा है? जब जब नंबर बांधने आता तो फिर बात काटने लगते हो या उकानी? तो जब दलील दलील दे रहा हूँ, मैं दलील दे रहा हूँ कि तुमने मगरिब की नमाज पढ़ी अदा करी तो अल्लाह रसूल खुश हुए। तो फोन रख दो। क्यों रख दो फोन? सुनिए तो फोन। तो दलील में दे तो रहा हूँ मैं, अल्लाह रसूल खुश हुए ना, ये बताओ मना करो ना हुए तुम्हारी नमाज से। सफहा नंबर 208 की इबारत पढ़ रहा हूँ, इसी तरीके से जाती अताई की जो बात आपने की है ना, अभी तुमने आला हजरत के लिए बोला, अब तुमने नईम यार खान रहमतुल्लाह के लिए बोला। हाँ तो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम कुछ नहीं बताओ, तुम बताओ मगरिब की नमाज अदा करी तुमने, ये बताओ। ये बकवास नहीं, अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, लाल वालों को नमाज को बकवास कर रहा हूँ। देखो सामीन, बकवास कर रहा है, नमाज कर रहा है, मौजू से हट कर। मैं कहा हट रहा हूँ मौजू से? मैं ये मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा कि सबसे पहले कि तुमने नमाज अदा करी मगरिब की तो तुमसे अल्लाह का रसूल खुश हुए नहीं हुए? 208 देखो बताओगे नहीं, यही तो गड़बड़ी तुम्हारे अंदर की। अहमद शर्म ना दी अल्लाह का रसूल को, बदतमीज बोला, आइंदा सुन ना लू, समझ गए ना? देखो सामीन, सुन सामीन, क्या बदतमीज बोल रहा हो तुम? अल्लाह के रसूल को ये ना पता वो ना पता, सहाबा इकराम अगर कोई बात ना जानते थे तो ये कहते अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने, वो अदब तुम्हारा कौन सा अदब है? ये तो अहमद रजा साहब ने कहा है कि अल्लाह की यार शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, तू हक्कानी यार अच्छा खासा आलिम हो, तुम्हें आलिम क्या दो शर्म आती है? लो यार इतनी बड़ी दलील लगी फिर भी तुम इल्म की बात कर दो ना है? अरे तुम अभी मगरिब की नमाज अदा करी तो अल्लाह का रसूल खुश हुए ना हुए, ये बताओ। गुस्सा आवे और सुन के यार तमाम तन बदन में आग लग जा, बेइज्जती करो अल्लाह के रसूल की। कहता है अंबिया बात करने की यार, अब तुम बताओ नमाज पढ़े तुम हमारी किताबें उज्जत रखते हो? और मुफ्ती अहमद यार हेलो, तुम हमारे किताब तुम हमारे किताबें उज्जत रखते हो? गैब सिर्फ जाति सुनते नहीं हो यार, इल्म गैब सिर्फ जाति को कहते हैं, अताई को इल्म गैब कहते हैं। अब फिर इसका क्या करूं मैं, इस हदीस पाक का क्या करूं मैं जो तुम्हारे तुम्हारे बादिल फिरके के खिलाफ है?
यार समझ में नहीं आती, बदतमीज बोलो तन बदंग में हाथ लग जा, जो कह रहे इल्म गैब ना अल्लाह रसूल को ये ना पता, बदतमीजों पे अदब शर्म आनी चाहिए। गैब का इनकार किया है, वो जाति का किया है, जाति अताई का जो है इसका मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मानता ही नहीं है, कह रहा कि जाति ही कोई इल्म गैब कहते हैं, अताई कोई इल्म गैब होता ही नहीं है। तो अहमद रजा साहब ने खुद कहा है फतावा रिजविया जिल्द 29 सफा नंबर 208 इबारत में, जिसको तू देखे क्या बोलते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते हैं, और जो शख्स ये अकीदा रखे कि अंबिया अलैहिस्सलाम गैब अशिया का इल्म रखते हैं, इल्म गैब जानते हैं, वो जो है कुरान करीम के इस आयत के खिलाफ अकीदा रखता है और हनफिया ने उसकी तकफीर की है। यानी चुप जा यार, सुनो ना यार, क्या चुप हो, अब इतनी लंबी तकरीर कोई करोगा, मैंने भी मेरी भी सुन लो ना, पूरी इबारत पढ़ने भैया सुन देना हो, पूरी इबारत, अरे इबारत हो गई, मैंने समझ लिया, अब चुपो मेरी बात सुन लो, तुम समझ नहीं, यही तो झगड़ा तुम्हारी, सुनता ही ना बला, यही यही है तुम्हारी जमात के अंदर, तो फोन रख दो, नहीं रखना, अरे तो बेवकूफ आदमी इतनी लंबी तकरीर कोई करोगे तुम, नहीं नहीं इबारत नहीं नहीं बस बता रहा, मैंने सुन लिया, अब तुम सुनो मेरी बात, पूरी इबारत, अब देखो सुनते नहीं यार, यही तो बात है तुम्हारी जमात में, इतना इतना दूसरे की बात ही ना सुनना चाहते, तब बोलना स्टार्ट हो जाता तो हो जाता, बता रहा जबान इस्तेमाल करने लगते हो तो करने लगते हो, मैं हदीस से बता रहा हूँ, मैं हदीस बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे भेजे में पड़ जाए तो तुम्हारी जमात के इबारत, पूरी इबारत, पूरी इबारत सुनो वरना फोन रखो, अरे भैया मैं समझ गया जो उन्होंने कहा, मुझे पता है तब, पूरी इबारत, तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है, नहीं 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 क्या, नहीं नहीं तो मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा, क्या समझा, चलो मैं समझा रहा हूँ, मैं इबारत पढ़ो, अब चुप हो तो सही यार, इबारत पढ़ो, इबारत, अब तुमने मगरिब की नमाज अदा करी तो अल्लाह का रसूल खुश हुए ना, अस्तगफिरुल्लाह, बता हदीस बता रही हूँ मैं, इबारत पढ़ो, आलिमों की बात मोतबर समझा, हदीस की बात मोतबर नहीं समझा यार, कैसी बात कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी दलील दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इल्मे इल्मे गैब की, अल्लाह का रसूल सारे उम्मत ही तो कुछ हो रहा, तुम्हारी तो बात अलग है, यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से अल्लाह के रसूल के मदीने से 20000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी कोई उम्मत ही नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह का रसूल उससे भी खुश हो रहा है यार, बदबख्त तो तौबा करो अल्लाह से कि ये ना पता वो ना पता, अन्य बैठ जा तुम जा रहे हो, कुछ इनकार किया है, अस्तगफिरुल्लाह साहब इकराम, अगर कोई बात ना पता होती तो ये पता होने के बाद भी ये कहते कि अल्लाह के रसूल को, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, हज के या उम्रे के मौके पर गए तो साहब इकराम को पूछ रहा है खाना काबा को पूछ रहा है ये क्या है साहब, तो उन्होंने कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने, बताओ ये अदब है, और तुम साफ साफ कह दोगे अल्लाह के रसूल के ना पता, तन बदन में आग लग जाती यार, कसम खुदी कतल करना वाजिब है तुम पे, अस्तगफिरुल्लाह, अब चुपो मैं बता दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ, अबे चुप से नहीं हो, तकरीर करने बैठ जाओ, अब होता नहीं, पूरी इबारत पूरी करता है जो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं, हनफिया ने इसकी तकफीर की है, अब चुप हो तो सही, तुम कहते हो, अरे भैया चुप हो गए बिना, अब चुप हो गए बिना, हमारा अकीदा है, तो अब तुम ना हनफी हुए और ना तुम जो है दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम हो, और ना दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम नहीं हो, ताल्लुक है, अरे हेलो हेलो, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम नहीं हो, अस्तगफिरुल्लाह, लोल वाला कौन कायम, अबे हदीस ही तो बता रहा हूँ मैं भैया, हदीस ही तो, हदीस का तो तुम दुश्मन हो, तुम मान नहीं रहे हदीस, आपको कितनी बार दलाइल दे दी मैंने तुम्हें, अबे ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है, मदीना शरीफ से 20000 किलोमीटर दूर है, अगर मोहब्बे को उम्मती नमाज पढ़ लिया तो मोहब्बे कुछ हो रहा है, बेवकूफ आदमी, ये तो 5000 किलोमीटर दूर है हिंदुस्तान, क्या करेगा अहमद रजा ने इनकार किया, उसका क्या, अब मैं बता दे रहा हूँ मैं, अब तुम हमारे घर की बात, अरे यार तुम हमारे घर का, तुम चुप हो गए नहीं, अब मैं दलील दे दे रही हूँ, चुप हो गए ना, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, ठीक है ठीक, हाँ जवाब नहीं है तुम्हारे पास, अब चुप हो, मैं दे रही हूँ दलील, जवाब पहले दे, हाँ दे रही हूँ दलील में, चलो इसका पहले जवाब, अरे दे दो रहा हूँ मैं, बता दे रहा हूँ उन्होंने क्या कहा कैसा कहा, अब चुप हो गए, बाजारू जुबान इस्तेमाल बंद करोगे, जवाब देना वरना फोन रख दूंगा, क्यों रख दोगे, क्यों रख दोगे, दलील दे रहा हूँ, हदीस से तुम्हें चिड़े, नहीं नहीं हदीस से तुम्हें चिड़े, हदीस पाक से तुम्हें चिड़े, अहमद रजा को नहीं, अरे हदीस पाक से, तो फिर सुनो हदीस, हदीस सुनो भी, जब तुम्हें चिड़ नहीं है तो हदीस पाक से, हदीस पाक नहीं पता थी, देखो सुनेगा ही नहीं बल आदमी, सुनेगा ना सामिन, भागना नहीं, बॉल काट के पहले बता रहा हूँ मैं, हदीस पाक सुन के जाना, अबे तुमने